हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस वीडियो में हम टर्मेक्स का यूज करना सीखेंगे, जैसे कुछ बेसिक कमांड्स को आज हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, जैसे कि किसी पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं या किसी भी पैकेज की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। ये सारी कुछ बेसिक कमांड्स जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानते हैं प्ले स्टोर से हमें कैसे टर्मेक्स को डाउनलोड करना है। आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करना है टर्मेक्स, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद मेरे केस में पहले से इंस्टॉल, इसको कर लेना है ओपन। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम में जब आपको इंटरफेस देखने को मिले तो दो कमांड्स जो है नेसेसरी है आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहली कमांड है एपीटी अपडेट। इस कमांड को जैसे आप एंटर करेंगे, जो आपका टर्मेक्स है, इसके जितने भी पैकेजेस हैं जो नेसेसरी है टर्मेक्स को रन करने के लिए, वो सारे के सारे पैकेज जो है अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं पैकेज जो है अपडेट हो गया है। अब सेकंड कमांड है एपीटी अपग्रेड। इस कमांड को एंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके यहाँ पर अभी कंटिन्यू करने के लिए वाई बोल रहा है, फिर मैं वाई कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। फ्रेंड्स, जब तक आपका कोई पैकेज जो है अपग्रेड नहीं होंगे, तब तक जो है बहुत सारी कमांड्स जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये दो कमांड्स जो है हर कीमत में अपने टर्मेक्स में फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद ही रन कर देनी है, उसके बाद ही आप किसी और कमांड्स को जो है रन कीजिएगा। अब हम इस वीडियो में जानेंगे किसी भी कमांड को कैसे हम नॉर्मल वे में यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को अगर चेक करना है किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरे को उसकी लिस्ट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर टर्मेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे कमांड है एपीटी स्पेस लिस्ट। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास पैकेज की जो है लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इनमें से बहुत सारे पैकेज यहाँ पे देख सकते हैं जो इंस्टॉल है, और बहुत सारे पैकेज यहाँ पे अनइंस्टॉल भी है, यानी अनइंस्टॉल कह रहा हूँ यानी पहले से सिस्टम में है नहीं। जो इंस्टॉल है इसका मतलब वो पहले से इंस्टॉल है, जिसके आगे इंस्टॉल आ रहा है लिखा हुआ, और जो जो जिसके आगे आपको कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ पैकेज इन्फॉर्मेशन के सिवा, मतलब कि वो इंस्टॉल्ड हमारे कंप्यूटर में यानी हमारे फ़ोन में भी इंस्टॉल्ड नहीं है। अब हमें इन पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो देखिए बहुत सारे पैकेज हैं, इनको जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए सी मैट्रिक्स वाला जो पैकेज है, ये वाला, इसको जो हूँ अपने सिस्टम में जो है इंस्टॉल करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो इसके लिए कमांड है, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो क्लियर करने के लिए, स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड है, ठीक है। तो स्क्रीन मेरी क्लियर हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पीकेजी मतलब पैकेज क्या करना है हमें इंस्टॉल करना है, तो लिखूंगा इंस्टॉल। पैकेज का नेम क्या है, सी मैट्रिक्स, ठीक है। अभी पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इस कमांड से जो है देखिए पैकेज जो है हमारे टर्मिनल में जो है इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब अगर मेरे को इस पैकेज को रन करके देखना है तो मैं कैसे करूँगा, तो सिंपली जो हमारा पैकेज नेम था उसको एंटर करना है, सी मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए पैकेज जो है रन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे को अगर इससे वापस आना है तो मैं कैसे आऊँगा, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ। तो अभी हमने जाना किसी भी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं और पैकेज लिस्ट कैसे चेक करते हैं। अब बात करते हैं किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी है एपीटी स्पेस रिमूव करना है हमें उस पैकेज को, तो यहाँ लिखेंगे रिमूव और पैकेज नेम सी मैट्रिक्स, में अपने केस में आपको करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। अब ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ यस, तो उसके लिए वाई। अभी देखिए अभी पैकेज जो है मेरे फ़ोन से जो है अनइंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे एपीटी लिस्ट चेक करी थी, तो यहाँ पे हमें पैकेज की जो है लिस्ट इसने हमें दिखाई थी। किसी भी पैकेज को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक जिप स्टेबल 3.03 आर्किटेक्चर 64, एक ये जो पैकेज दिखा रहा है ये पैकेज करता क्या है मेरे को नहीं पता। ऐसे ही बहुत सारे पैकेज हैं, नहीं पता बहुत सारे पैकेज क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करके रन करके देखना पड़ता है। अब ऐसे केस में अगर आपको जानना है कि ये सारे पैकेज का वर्किंग क्या क्या है,
तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए कमांड है apt स्पेस शो और उस पैकेज का नेम देना है। मैं यहाँ पे जिप का दे देता हूँ gzip, और यहाँ पे देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो उस पैकेज की मेरे को इन्फॉर्मेशन इसने बता दिया कि वर्जन कौन सा है, नेम क्या है, ठीक है, इंस्टॉलेशन साइज क्या है, डाउनलोड लिंक वगैरह यहाँ पे दे दिया है, डाउनलोड साइज क्या है, यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन भी नीचे मेरे को देखने को मिलता है कि पैकेज करता क्या है, टूल फॉर वर्किंग विद जिप फाइल्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेज की जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये था फ्रेंड्स नॉर्मल वे टर्मेक्स को यूज करने का। अब जरा हम कुछ बेसिक कमांड्स को देख लेते हैं। अगर आपको देखना है कि आप इस टाइम आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो आप कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए कमांड है pwd, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और आप एंटर करेंगे तो आपको जो है आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिख जाएगी कि मैं इस टाइम होम फोल्डर के अंदर हूं। अगर मेरे को देखना है कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा है तो उसके लिए कमांड है ls, और यहाँ पे मेरे को डेटा दिख जाएगा, जो जो से फोल्डर होंगे और जो जो सी फाइल्स यहाँ पे मौजूद होगी सब दिख जाएगी। हमारे केस में अभी हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो उसमें डेटा नहीं दिख रहा है। अब आगे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि वर्क कैसे करता है। अब सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है शिवम नाम का, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए कमांड है mkdir, mk मतलब हो गया मेक, dir मतलब हो गया डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शिवम और यहाँ कर देता हूँ एंटर। तो अब शिवम नाम का फोल्डर जो है यहाँ पे बन चुका है। अब इसको चेक करने के लिए आपको ls कमांड एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे शिवम नाम का फोल्डर जो है शो हो रहा है। तो ऐसे ही मैं एक फोल्डर और बना लेता हूँ mkdir, यहाँ पे मिस्टर बॉट, एंटर कर देता हूँ, ls करता हूँ। तो देखिए मिस्टर बॉट और शिवम नाम का फोल्डर जो है मेरे सामने आ चुका है। अगर मेरे को फोल्डर पे स्विच करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं जानना चाहता हूं। मैं तो अभी होम फोल्डर के अंदर हूं, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है होम फोल्डर के अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं शिवम नाम के फोल्डर में आ जाऊं, तो मेरे को इसके लिए कमांड डालनी है cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब यहाँ पे मेरे को फोल्डर नेम एंटर करना है और एंटर कर देना है। तो ऐसे में मैं शिवम नाम की डायरेक्टरी में आ गया। अब अगर मेरे को चेक करना है कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो pwd एंटर करता हूं। तो देखिए अब मैं पहले होम में था और अब मैं शिवम के अंदर हूँ। तो इस तरीके से आप जो है स्विच कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं नैनो एडिटर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे कमांड है नैनो स्पेस टेस्ट डॉट txt, एंटर किया मैंने तो नैनो एडिटर जो है मेरे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऐसे रैंडमली डेटा, हेलो आई एम मिस्टर बॉट, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है हेलो आई एम मिस्टर बॉट। अब मेरे को इसको क्लोज करना है तो उसके लिए कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, वाई कर देना है सेव करने के लिए, एंटर कर देना है। अब आपका ये जो फाइल है यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ls करके आप चेक कर लीजिए, देखिए टेस्ट डॉट txt नाम की फाइल जो है आपके सामने आ गई है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब अगर मेरे को इस फाइल को रीड करना है बिना नैनो एडिटर ओपन करे तो मैं कैसे करूँगा? दो रास्ते हैं, एक तो नैनो एडिटर में इसको मैं ओपन कर सकता हूँ और एक नॉर्मली। तो चलिए जानते हैं कि टर्मिनल में कैसे ओपन करना है। तो इसके लिए कमांड है cat स्पेस टेस्ट डॉट txt। मैं एंटर करूँगा तो उस फाइल के अंदर जो भी मैंने इनपुट डाला था, जो भी डेटा था, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो देखिए यही डेटा था, हेलो आई एम मिस्टर बॉट, मैंने टेक्स्ट डॉट txt में लिखा था। तो चलिए एक बार इसको नैनो एडिटर में ओपन करते हैं। तो इसके लिए कमांड डालनी है नैनो स्पेस टेस्ट डॉट txt। तो एंटर करूंगा तो देखिए मैं वापस अपने टेक्स्ट एडिटर में जो हूँ आ चुका हूँ। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे आके कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, और फिलहाल मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि हम किसी भी फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। तो pwd में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखता हूँ कि अभी शिवम के अंदर हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि होम फोल्डर के अंदर मैं वापस चल जाऊँ, तो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए चेंज डायरेक्टरी cd स्पेस डॉट डॉट करूंगा तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊँगा, यानी उससे पुराने वाली डायरेक्टरी में। तो चलिए चेक कर लेते हैं pwd से। तो देखिए इस टाइम मैं होम डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हूँ, इस टाइम मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम है। अब इसके अंदर मैं ls डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए मिस्टर बॉट और शिवम दो नाम के फोल्डर है।
अब मेरे को ये जानना है कि ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर कब क्रिएट हुए थे। तो उसके लिए कमांड है ls space माइनस lh। अब ये कमांड जो है मेरे को बताएगी कि क्या क्या परमिशंस है, डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, यानी सारी डिटेल जो है इन दोनों फोल्डर्स की दे देगी। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया है कि फोल्डर कब क्रिएट हुए थे, किस टाइम हुए थे, क्या क्या परमिशंस हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे को इसने दे दी है। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ और ls कमांड को दोबारा एंटर करता हूँ। तो उसने मेरे को ये बता दिया। अगर मेरे को अब ये जानना है मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम, अगर इस फोल्डर के अंदर कोई हिडन फोल्डर है और मेरे को देखना है तो मैं कैसे ही देखूंगा, मेन बात ये है। तो चलिए उसके लिए कमांड है ls स्पेस माइनस a, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, ये डायरेक्टरी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस फोल्डर के अंदर कोई भी हिडन डायरेक्टरी नहीं है तो इसलिए आपको शो नहीं कर रहा है। ऊपर हमने ls डाला था तो डायरेक्टली हमें मिस्टर बॉट और शिवम दिखा देते, लेकिन ls मैंने से करने से ये हमें हिडन चीज़ें भी दिखा देगा। तो इस तरीके से आप हिडन फाइल्स को शो कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद अब मेरे को, मैं यहाँ पे ls कमांड डाला तो मिस्टर बॉट और शिवम नाम का फोल्डर मेरे को शो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बॉट वाला जो फोल्डर है ये डिलीट हो जाए, रिमूव करना है। तो उसके लिए कमांड है rmdir, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम मिस्टर बॉट, मैंने यहाँ एंटर किया। तो अब देखिए मिस्टर बॉट वाला जो फोल्डर है वो जो है अब डिलीट हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ls किया मैंने और यहाँ पे शिवम नाम की डायरेक्टरी जो है अब मेरे पास दिखा रहा है और मिस्टर बॉट वाली डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने cd शिवम, इस फोल्डर के अंदर अगर मैं अब जाता हूँ मैंने कैपिटल नहीं लिखा था, शिवम। अब मैं इसके अंदर गया, शिवम के अंदर ls किया तो देखिए इसके अंदर टेक्स्ट डॉट txt नाम की फाइल है। cd स्पेस डॉट डॉट करके मैं वापस आता हूँ, ls करता हूँ तो यहाँ पे शिवम नाम के फोल्डर के अंदर जो है ये टेस्ट डॉट txt वाली फाइल थी। अगर मेरे को उसको रिमूव करना है तो आप rmdir से रिमूव करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने rmdir शिवम कर देता हूँ तो देखिए रिमूव नहीं होगा, फेल्ड बता रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी mpt नहीं है। वो जो कमांड है rmdir वो खाली mpt डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, तो मैं इस डायरेक्टरी को कैसे रिमूव करूँगा? तो इसके लिए कमांड है rm मतलब रिमूव, अब यहाँ पे आपको माइनस r कर देना है और डायरेक्टरी नेम यहाँ पे दे देना है। क्या है डायरेक्टरी नेम? शिवम shivam, एंटर कर दिया तो देखिए अब ये डायरेक्टरी भी जो है रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर किसी फोल्डर के अंदर डेटा हो, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है आप रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर अब तक आपने मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, वहाँ पर भी मेरे को फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।